आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी देखेंगे। गिव द एंगल्स बिटवीन एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज 2 थीटा। देन वी हैव टू प्रूव दैट ई इज इक्वल टू sec थीटा। ई यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो उसके दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में वाई हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स एंड इधर होगा वाई इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। तो इस वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्म है, तो एम वन हो जाएगा बी बाई ए एंड एम टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए के इक्वल। ठीक है, अब अगर ये हमारा एक असिम्प्टोट है एंड दिस इज द सेकेंड असिम्प्टोट, इसका स्लोप एम वन है और इसका स्लोप एम टू है और इनके बीच का एंगल टू थीटा, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन से कि टैन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस ऑफ एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो यहाँ से मेरे पास आएगा टैन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए होल अपॉन वन प्लस बी बाई ए इंटू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो ये हो जाएगा टैन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 2b by a upon 1 minus b square by a square। LCM ले लेते हैं तो tan 2 theta हो जाएगा 2ab upon a square minus b square के equal। तो ये हमारा tan 2 theta हो गया। अब हमें पता है कि ये जो tan होता है ये होता है perpendicular upon base। तो अगर हम एक right angle triangle complete करते हैं जिसका angle 2 theta, तो इसका perpendicular side हो जाएगा 2ab, base हो जाएगा a square minus b square। अगर हाइपोटेनियस देखें तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर हो जाएगा 4a² b² प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज़ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2a² b², दैट इज़ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a² b². तो एच स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस टू थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 cos square theta इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 2 cos square theta इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे, सो cos square theta हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड हमें पता है कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos square theta is equal to 1 upon e square, that means cos theta is equal to 1 upon e, so e हो जाएगा 1 upon cos theta के equal, that means e की value हो जाएगी sec theta, और ये हमें प्रूफ करना था, so hence proved। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर मेरे पास tangents हैं तो angle between two lines का formula लगा के और trigonometric application use करके हमने e is equal to sec theta प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम असिम्प्टोट्स की दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।